सभींकु से एक ब्रह्म भाव नतमस्तक ही प्रणाम करुच्ची। विवेक चूड़ामणि चतुर्थ अध्याय को आपमन को स्वागत करुच्ची। मनरे प्रश्न उठिबा स्वाभाविक जे आमे विवेक चूड़ामणि ग्रंथ को काहिंकि पढ़िबा। उत्तर स्वरूप बुझंतु, विवेक चूड़ामणि हेला प्रकरण ग्रंथ, ग्रंथ भिन्न प्रकरण ग्रंथ भिन्न। साधारण ग्रंथरे सब किछि थाय, साधना विषय थाय, भौतिक विषय वस्तु, भौतिक जीवन जापन, आउ कर्मकांड, विभिन्न प्रकार विषय वस्तु ग्रंथरे मिश्रित थाय। किंतु प्रकरण ग्रंथ हेला से ग्रंथ केवल गोटे उद्देश्य रे लेखाई थाय। ये जो विवेक चूड़ामणि प्रकरण ग्रंथ अछि, ये ग्रंथर उद्देश्य हेला आत्मतत्व को कौन परिका गुरु शिष्य परंपरा रे शिक्षा दीक्षा दि जाऊला से विषय को आम बुझिपर। द्वितीय, जमी भगवान कृष्ण अर्जुन मध्यम भगवद गीता को मध्यम कर आम समस्त को से आत्मतत्व को बुझापी प्रयास करते, ठीक से न्याय ठीक से परिका विवेक चूड़ामणि प्रकरण ग्रंथ मध्यम गुरुदेव आदिगुरु शंकराचार्य आम समस्त को आत्मतत्व को बहुत सहज भाव में बुझापी प्रयास कर जद्य धैर्य सहित ये विवेक चूड़ामणि प्रत्येक एपिसोड को आपड़ शांत स्थिर होकर एकाग्र चित्तर देखिए आपन को मन गोटे साधनार विधि को आपड़ बुझीपर। सब जिन कि विधि विधान अच्छी साधना मध्य विधिवत शास्त्रवत गुरु आश्रय नहीं कले ही सिद्धि हे। तेणुक ये सब एपिसोड्स आप देखिले साधनार गोटे विधि आप जापर। तापर इतने गुरुदेव बहुत सुंदर भाव में आत्मा कौन अनात्मा कौन ये सब कथा को बहुत सुंदर भाव में देह ठूँ आरंभ करी आत्मा जाए विभिन्न प्रकार विधि विधान आत्मतत्व को आम समस्त को बुझाप प्रयास कर द्वारा आपण मनरे साधना केमती करवा दरकार से मन स्पष्ट हे। आत्मतत्वपे गोटे साधारण ज्ञान आपण भितर आस एपरिक अनेक लाभ अच्छे। विवेक चूड़ामणि 74 नंबर मंत्र रे गुरुदेव आम समस्त को बुझाप प्रयास करस रक्त मांस मेध हाड़ मज्ज शुक्र रूपक सप्त धातु बना होता पाद जंघ छाती भुज पीठी मस्तक इत्यादि अंग प्रत्यंग गढ़ाही ये ढांचा रूपी कलेवर जहाँ को आंभे माने मु आउ मोर यही रूप से भावि था आउ जो शरीर आम को मोहरे शोकरे अविद्यारे बांधु थाए से ही प्रकार कलेवर को विद्वान माने स्थूल शरीर कहती। आकाश वायु अग्नि जल आउ पृथ्वी यह सूक्ष्म भूत अटंती। गुरुदेव शिष्य को कहते हे उत्तम शिष्य आत्मा अनात्मार पार्थक्य को विवेकी हिंगरी बुझापी प्रयास कर जहाँ मध्यम आत्मा कौन नुहे ताकू जद्य तुम्हें बुझिपार आत्मा कौन अटे यह निश्चय धरीपर। यह सूक्ष्म रूप से पंचभूत ही जड़े जनक संगे जड़ित होकरी ये स्थूल शरीर आ स्थूल संसार निर्माण कर शरीर ए संपूर्ण संसार पंचभूत पंचभूतर निर्माण होता ए शरीर को पांचटा ज्ञानेन्द्रिय पांचटा कर्मेन्द्रिय परिचालन होबारे सहायक होती। पंचभूत रूपक पंचभूतर पांचटा तन्मात्रार उत्पत्ति से पांचटा तन्मात्रा ही इंद्रियंकर भोग्य वस्तु पांचटा जो ज्ञानेन्द्रिय अच्छा ये पंचभूतर तन्मात्रार भोग विलास सुखर प्राप्ति करने मोहरे पड़ी सदा सर्वदा बहिर्मुखी था। पंचभूत पंच तन्मात्रा आ पांच ज्ञानेन्द्रियंकर संपर्क को जब आम गभीर भाव में चर्चा ही बुझापी प्रयास करवा प्रथम पंचभूत है आकाश। प्रथम तन्मात्रा को जब आम नवा शब्द आकाशर तन्मात्रा शब्द शब्दर इंद्रिय है कर्ण कर्णेन्द्रिय मध्यम आम शब्द को अनुभव करू। तेणुक
जेकोणसी शब्द ध्वनि उत्पन्न होबा संगे संगे कर्णेन्द्रिय बहिर्मुखी हो थाए। द्वितीय आसी जाए पंचभूत वायु तन्मात्रा हला स्पर्श इंद्रिय त्वचा वायुरु स्पर्शर उत्पत्ति हो थाए। चर्म माध्यम रे से स्पर्श को वायु माध्यम रे अनुभव करुथाय आ शरीरर त्वचा स्पर्श माध्यम रे बहिर्मुखी होता है। तृतीय पंचभूत हला अग्नि जहार तन्मात्र हला रूप जहार इंद्रिय हला नेत्र। अग्नि माने आलोक कही पारे आलोक माध्यम रे प्रत्येक भौतिक रूपर परिप्रकाश हुए। से प्रत्येक रूप को नेत्रेन्द्रिय चक्षेन्द्रिय कही पारे चक्षेन्द्रिय अनुभव करुथाए। जेतेबेले चक्षेन्द्रिय बहिर्मुखी थाए आखि खोला थाए रूप रंगरे आखि हजिम जिकिरी सदा सर्वदा बहिर्मुखी थाए। चतुर्थ पंचभूत हला जल तन्मात्रा हला रस इंद्रिय जिह्वा जिभ स्वाद रूपक रस संगेरे उत्साहित हो थाए और बहिर्मुखी हो थाए। पंचम पंचभूत हला पृथ्वी तन्मात्रा हला गंध इंद्रिय हला नासिका नासिकेन्द्रिय सदा सर्वदा गंध सुगंधरे बहिर्मुखी हो थाए। तो यही परिका पंचभूत पंच तन्मात्रा रूपरे ही थांती आ पंच तन्मात्रा पांच इंद्रियंकर भोग्य विषय ही थांती आ पंच इंद्रियंकु सदा सर्वदा उत्साहित करथांती बहिर्मुखी करथांती। ए मंत्र रे गुरुदेव आमको बहुत गभीर कथा बुझिया पई प्रयास करसंती। इंद्रिय सदा सर्वदा तांको विषय भोगरे बहिर्मुखी होथांती। इंद्रियंकु आमे जेते तांको विषय को प्रदान करिबा से सेते बहिर्मुखी हेबे से सेते चंचल हेबे से सेते सहज शांतिरु स्वरूपरु बहिर्मुखी हेबे। तेणुकर इंद्रियंकु बारंबार एथिपई कह जांची इंद्रियंकु दमन करिवार आवश्यक अछि इंद्रियंकु स्थिर रखिवार आवश्यक अछि। इंद्रिय जेते शांत रहिबे इंद्रियंकु माध्यमरे मन सेते स्थिर हबो मन सेते शांत हबो आ आम स्वरूपरे थिबा सहज सुखकु आत्मीय आनंद को आम से सहज भाव में नहीं पार। गुरुदेव ये बुझाते जो मूढ़ व्यक्ति अविवेकी हिंकरी इंद्रियों को विषय को भोग कर चंचल करुथांती बहिर्मुखी करुथांती से परिका मूढ़ शरीर कर्म रूपक दूत द्वारा बंधन रे पड़िकिरी अविद्या अज्ञान रे बारंबार जन्म मृत्युर बंधन रे बांधी होथांती विभिन्न प्रकार जोनि रे जंत्रणा पाउथांती आ मुक्ति पाई पारु नथांती। आहुरी गभीर भावरे गुरुदेव किछि जीवजंतुंकर उदाहरण स्वरूप आम समस्तंकु बुझिया पई प्रयास करिसंती। जों परिका हरिण हाथी कीटपतंग माछ आउ भौर इंद्रिय सुख पई जाईकिरी तांको प्राण को त्याग करिथांती। तात्पर्य हला हरिण शब्द संगे बांधि ही जाऊ थाए शिकारी सर्वप्रथमे किछि ध्वनि शब्द को सुनेकिरी से शब्द जाल रे हरिण को स्थिर करिकिरी से शब्द द्वारा से हरिण को हरिण इंद्रिय मन को बांधि दियंती। हरिण स्थिर होकर गोटे जगार ठिया ही जाए तापर शिकारी तीर मारिकिरी से हरिण को मारि दियंती। तापर आसीगला हाथी हाथी मध्य हाथी को धरिया पे गोटे गात खोलिकिरी शिकारी माने माई हाथी को देखों थांती कि कौटी पुरुष हाथी को देखों थांती। ये हाथी संभोग लालसारे अन्य हाथीर आकर्षण रे तलकु न देखिकिरी से गात को न चिन्ही पारिकिरी आगे जाई थाए आउ से गात रे पड़िकिरी शिकारीर शिकार होई थाए। तापर कहुछंती कीट पतंग जोंठी निया जलु थाए से अग्निर आकर्षण रे आकर्षित होकर अनेक कीट पतंग से अग्नि पाख को आसी जाई थांती आउ से अग्निर से तेज सांगे जलिकी निजकु देहांत करी थांती। तापर गुरुदेव कहते माछ माछ जो परिका
बनीशी कंटार से थोप को न चिन्ह पारिकी से खाद्यर लालसारे से थोप को गिली देकर ता भीतर से कंटार आघात को नहींकर माछ धरुवा से मत्स्यकार जाल फसी जाए थाए बनीशी कंटार फसी जाए थाए तापर गुरुदेव कहते भर भर मध्य फुलर रस को शोषिकी से स्वादर हजिमजिकी पुष्प जिते पाखुड़ा को बंद कर दिए कि पुष्प अच्छी पद्म पुष्प अच्छी से समय हेले पाखुड़ा बंद हो जाए किंतु भर से रस आनंद हजिमजिकी से पुष्प भितर निजक बंदी कर दे थाए आहांत हो यहीपर का मनुष्य मध्य आज देखता आम ये आधुनिक संसार को जब देखा आम समस्ते से ही इंद्रिय सुखर ही बहिर्मुखी होकरी ये प्रकृतिर विनाश करी सृष्टिर विनाश करने जाऊे मनुष्य देखत इंद्रिय सुखर एमती हजिमजी जाती आम आज देखु प्रकृति पंचभूत सबकि दूषित प्रदूषित करदेचे ये सबुर मूल कारण आम इंद्रियंकर स्वभाव को बुझिपारे इंद्रियंकर से ठकामी को चिन्ह पारने इंद्रिय को संयमित रखिले जे जो सत् शांति मिल परमानंद मिल स्वरूप आनंद को आम नहीं पार ये ज्ञानर अभाव इंद्रिय जेहेतु सदा सर्वदा बहिर्मुखी था सदा सर्वदा विषय भोगापी उत्साहित था ये ज्ञानर अभाव सारा विश्व आज देखु कलंकित दूषित होकर पंचभूत को दूषित करनाश आड़क अग्रगति करे इंद्रियंक भोग्य विषय तो सर्पर विष ठार भी अधिक विषतुल्य कारण सर्पर विष तो सर्पदंशन कले केवल शरीर को प्रभाव पड़े आ भौतिक विष को तो कहीं पान कले केवल से विषर प्रभाव से शरीर उपर पड़ थाए कि इंद्रियंकर जो भोग्य विषय अच्छी देखा मात्र के शुणा मात्र के शुंगा मात्र के ये संपूर्ण भौतिक इंद्रियंकर विषयर प्रभाव मन उपर पड़ थाए कहार तात्पर्य ये जो भौतिक इंद्रियंकर विषय अच्छी से विषय को जेपर्यंत जड़े साधक विषतुल्य देखि ना से इंद्रिय भोग्य विषय निजक दूरीत रखि ना निजक दूरे रखि ना से पर्यंत सी मुक्तिर योग्य नुहति मुक्ति प्राप्त करें जो धी पुरुष जो उत्तम साधक इंद्रियंक भोग्य वस्तु को विषतुल्य भाविकी वैराग्य रूपक खड्गरे इंद्रियंक भोग्य वस्तु को विनाश कर इंद्रियंक विषय निजक वंचित करपारी कष्ट हेले मध्य एहाकु तपिकी सहीकिरी निज भितरे वैराग्य रूपक से ज्योति को जाली थांती केवल से धी पुरुष ही मुक्तिर अधिकारी होइथांती जे पर्यंत जने साधक देह रूपी मोह बंधन रु निजक मुक्ति करिनांती इंद्रियंक भोग्य विषय रु तांकु मुक्त करिनांती मन रूपी आशा विलास रे बांधी छंदी से विचार वृत्ति ऊर्ध को उठाप प्रयास करना से जेते वेद मंत्र शास्त्र श्रुति को पढ़िले सबु व्यर्थ सबु अनर्थ कौन सी मुक्तिर लाभ मिलवनी जो उत्तम साधक गुरुवाणी को अक्षर अक्षर पालन करुंती भौतिक सुखर निजक वंचित रखी साधना पथर अग्रगामी होती केवल से ही उत्तम साधक ही मुक्ति फल को प्राप्त करी मुक्तिर स्वाद को चखि पारि था अंत आज संपूर्ण चर्चार निष्कर्ष है बंधन केवल इंद्रियंकर सुख मनर आशा अभिलाष रूपी वृत्ति मु देह यहीपर का मोह तेणुक मु देह नुहे ये भावना आपण को केवल ज्ञान श्रवण कला द्वारा आसब इंद्रियंकु दमन केवल इंद्रियंक स्वभाव को बुझिले आसिबो मनर विचार रु केवल ध्यान को आचरण कले मन को निरुद्ध अवस्था को नहीं पारे निर्गुण अवस्था रे मन को समाधिस्थ करें कहार तात्पर्य निज को आम निजे ही बांधिचे आम जद्य ए सबू कथार मूल्य को बुझिपर साधन विनियोग इंद्रिय मन को नियंत्रित करह रूपी ए मोहर निजक मुक्त कर आमे ए कथा को बुझिपर आमे मुक्त ही अच्छे आगामी वीडियो रे आमे सूक्ष्म शरीर कथा बहुत गभीर भाव में चर्चा होकर बुझा आकु साधन विनियोग अनंत कोटि धन्यवाद सहित सभी को प्रणाम।